सीएम चंपई सोरेन पहुंचे अपने गांव झिलिंगोड़ा, स्वागत में उमड़े गांववासी, कहा हेमंत के काम को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन बुधवार को पहली बार अपने पैतृक गांव झिलिंगोड़ा पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री का स्वागत करने पूरा गांव उमड़ पड़ा। पैतृक आवास के पास बने हेलीपैड में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर लैंडिंग को देखने गांव के लोग घंटों जमा रहे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने पैतृक आवास पहुंचे, जहां उनकी पत्नी बहू समेत अन्य परिजनों ने आदिवासी रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत किया। कहां शहर से शहर झारखंड क्षेत्र में बहुत बढ़ गया, लेकिन अपना आदिवासी का परंपरा नहीं छोड़ा हम लोग। इसीलिए आज हम जिस पद में हमने आज इस राज का दायित्व जैसे हम लिया, पहला हम गांव आ रहे हैं, वो होता है हम लोग का गोसाड़े माझी थान है, जहां नाम के पहले उसी ले वहाँ किसी भी वहाँ शादी ब्याह में अगर आप शादी ब्याह जाने का समय भी वहीं पर प्रणाम करके आपको निकलना है, और वहाँ से लौटने का समय भी जो करना आएगा बहू आएगा वहाँ प्रणाम करके जाता। ये हमारा आदिवासी का ये परंपरा है, ये धार्मिक स्थल, उसको हम लोग माझी थान कहते हैं, उसको हम लोग गोसाड़ी कहते हैं, और इसीलिए हम पहले आया कि हमारा वहाँ प्रणाम किया। कोई भी कहीं से आएगा वहाँ प्रणाम करके घर, उसका बाद यहाँ हमारा जाहिरगढ़ है, वहाँ पर आते हैं। इसीलिए आज हम जो दायित्व लिया है झारखंड प्रदेश उसको सही से निभाएंगे, यहाँ का अकबर बिहार आदिवासी मूलवासी सभी वर्ग को सम्मान रूप से देख के विकास को ले जाना, ये बहुत बड़ा दायित्व है। इसीलिए आज पहला हम मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दिन हम आए, हमने कल 8 बजे को खबर दिया है इतना आदमी आएगा, हमको विश्वास नहीं। 8 बजे 9 को लड़का को फोन किया कि कल हम आएंगे, 10:30 बजे करीब 10:30 बजे हम मैसेज भेजा, डीसी साहब खुद हमारा हम उधर से गुजर रहे थे, कहा कि कल हम शायद आ सकते हैं, इसको डीसी साहब को भी हम बोला प्रोग्राम आने तक शायद कहिएगा, जब प्रोग्राम आ जाएगा आप कि हम आएंगे, हम यहाँ का डीसी साहब को भी कल हम बोल दिया कि शायद कल आएंगे, कन्फर्म नहीं किया है। इसीलिए आज बहुत दायित्व है हेमंत भाई, बहुत झारखंड को विकास करने के लिए बहुत अच्छा योजना बना किया, और उसी को जैसे हर गरीब घर में दिया जलाने का काम किया है, बोला सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जिला का डीसी, जिला का डीडीसी, जिला का अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, सारा गांव में आके एक ही घर में जाके वहां का क्या चाहिए, किस योजना चाहिए, आप लोग का आर्थिक स्थिति क्या है, वो जानने के बाद ही यह है योजना को शुरू किया गया, पेंशन देने का शुरू किया गया, जो भी गांव में एक को भी नहीं मिलेगा कि पेंशन हमको नहीं मिल रहा है, इतना सुंदर काम काज किया है हेमंत बाबू ने, लेकिन विरोधी नहीं पच सका, पेट में दर्द शुरू हो गया, झूठा मुकदमा दे के उनको कस्टडी ले लिया। ये आदिवासी ये झारखंड का इतिहास है, जब भी आदिवासी उत्थान के अच्छा सक्रिय नेतृत्व तो उभरते हैं, किसी न किसी रूप से उसको बदनाम किया जाता है, इसीलिए जो भी योजना शुरू किया है हेमंत बाबू ने, जो यहाँ का बुनियादी ढांचा को मजबूत करने, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर इरीगेशन से लेकर, और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के एक समानांतर लाने के लिए, इसीलिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किया है, ताकि कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं आएगा, यातायात का सुविधा हो, इस तरह से विचार लेके योजना बनाया है, इसीलिए उस काम को हमको पूरा करना है। धन्यवाद, जवाहर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।